स्वागत है आप सभी का निश्रया में। आज निश्रया में हम बना रहे हैं केसर के घेवर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप घी और इसमें डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स इसलिए डाली हैं ताकि जो घी है वो थोड़ा ठिठुर जाए और इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा जिसको बहुत अच्छे से फेंटा जा सकता है। तो जब पूरी तरह से घी इकट्ठा हो जाएगा तब जितनी भी आइस क्यूब्स हैं इनको पहले तो अलग हटा देंगे, इनको निकाल के मतलब बोल से अलग निकाल देंगे और फिर जो घी है जो एकदम सॉलिड हो चुका है उसको लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। इसको इतना अच्छे से फेंटना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाना चाहिए। ऐसा लगेगा हाथ में लेके देखेंगे तो बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। तो उस स्टेज तक इसको अच्छी तरह से फेंटना है। तो अब क्योंकि हम बना रहे हैं केसर वाले घेवर तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच सैफरन एसेंस, यानी केसर का जो एसेंस होता है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं घेवर में तो इसमें मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सैफरन कलर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको फेंटना है और बिल्कुल क्रीमी कर लेना है। जब ये एकदम क्रीम जैसा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे दूध। तो 1 कप दूध इसमें डाला है और दूध को इसके साथ मिक्स करेंगे, लेकिन ऐसे ही मिक्स नहीं करेंगे, इसमें हमें डालनी है मैदा। 2 कप मैदा लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी करके इसमें मैदा डालेंगे ताकि लम्स नहीं बने, और मैदा डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो 1 कप दूध और जब मैदा ऐड कर रहे थे तो ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इसमें अब दूध नहीं डालेंगे बल्कि लिक्विड में डालेंगे पानी। तो 1 कप पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और जो बची हुई मैदा है, 2 कप मैदा हमने पूरी ली है तो उसमें से जो बच गई है वो थोड़ी थोड़ी सी मैदा डालते रहेंगे और 1 कप पानी डालते रहेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए बिल्कुल लम्प फ्री मिक्सचर या इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। फाइनली जब पूरा बैटर तैयार हो जाएगा, एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे 2 कप चिल्ड वाटर। बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ पानी डालें या फिर इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स और डाल लें। तो बेसिकली हमें जो बैटर बनाना है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। तो ठंडा ठंडा बैटर होगा और फिर उसको जब गर्म गर्म दूध में डालेंगे तो यही साइंस है जो हनीकॉम स्ट्रक्चर बनता है उसका। अब एक बर्तन में ये छोटी भगोनी ली है जिसमें घेवर बनाएंगे, उसमें तेल डालें, तेल या घी जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। हमने शुरू कर दिया है केसर वाले घेवर बनाना। तो केसर का एसेंस डाला है घेवर के बेस में और अच्छा खासा ऑयल जब गर्म हो जाए। और ये मैंने सेटअप करके रखा है, देखो इधर मेरे पास में और कुछ नहीं था, जाली नहीं थी तो मैंने क्या किया, एक पहले परात ले ली, एक रिंग है उसके ऊपर मैंने ये रख लिया। तो जब बन जाएंगे घेवर तो मैं इसके ऊपर रखूंगी ताकि वो सारा ऑयल भी ड्रिप होता रहे। तेल गरम हो चुका है, अच्छा गरम होना चाहिए। ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। सेंटर में बैटर डालना है तो बैटर डालने के लिए जलेबी वाली जो बॉटल होती है उस बॉटल में मैंने मिक्सचर भरा है और बीच में थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर को डाल रही हूँ। तो आप देखेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है और बैटर ठंडा है तो इस तरह का हनीकॉम स्ट्रक्चर बनेगा। बीच में अगर थोड़ा मिक्सचर रह जाता है तो किसी भी स्पैटुला से या कोई भी आप ले सकते हैं, नाइफ ले सकते हैं, उससे जो बीच में मिक्सचर आ जाता है उसको साइड में करते जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में डालना है। जैसे जैसे एक बार आपने डाला हनीकॉम बना, उसको थोड़ा सा सिकने देंगे, जब झाग हट जाएंगे तब बाकी मिक्सचर को डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर इस तरह से थोड़े थोड़े से इंटरवल में डालना है ताकि प्रॉपर ये सिकता भी रहे और इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर, ये जो जालियाँ बनी हैं वो बनती जाएँ। फाइनली जब घेवर बन जाएगा, पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब इसको ऑयल में से बाहर निकालें और उस जाली पर रख दें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। बाकी घेवर भी इसी तरह से बनाते रहें। अब यहाँ पर चाशनी तैयार कर रहे हैं तो एक दूसरे बर्तन में 3 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती और इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो एक बार जब बॉईल आ जाएगा तब गैस को कर देंगे बंद और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे पिंच ऑफ सैफरन। तो घेवरों के लिए चाशनी तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ रबड़ी बनाते हैं।
तो एक पैन में 2 चम्मच डालेंगे घी, इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, 2 कप डालेंगे मिल्क पाउडर, ये इंस्टेंट मिल्क वाइटनर है तो वो इसमें डालेंगे, और इसमें डालेंगे चीनी 1/2 कप, यहाँ पे मैं ग्रैनुलेटेड शुगर काम में ले रही हूँ, 1/2 कप चीनी डालेंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छे तरह से मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि दूध की क्वांटिटी कम है तो थोड़ा सा दूध इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको गाढ़ी रखनी है तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस रबड़ी को तैयार करेंगे। तो जब ये रबड़ी बन जाएगी तो थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर एक अलग बोल में निकाल लेंगे, जिसमें ऐड करेंगे ये दूध में भीगी हुई केसर, ताकि इसका फ्लेवर आए, केसर का फ्लेवर आए घेवर के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा हमने केसर ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो घेवर पूरे तैयार हो गए हैं, एक एक करके घेवर लेंगे और इन पर चाशनी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक बर्तन लगा लिया है, ऊपर एक जाली है, उसके ऊपर एक एक करके घेवर में रखूंगी और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी जो चाशनी तैयार की है, शुगर सिरप तैयार किया है, वो थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे एक एक करके। पहले एक घेवर पर लगाया, फिर दूसरा घेवर उसी के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर चाशनी चढ़ाई, ऐसे करके मैं बाकी सभी घेवरों को एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ और उनके ऊपर चाशनी डालती जा रही हूँ। तो जो एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे बोल में आ जाएगी। बस चाशनी के बाद में नेक्स्ट स्टेप है, जो रबड़ी हमने बनाई है वो रबड़ी अच्छे से घेवरों के ऊपर लगाएंगे, और इन्हें अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल करके या गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए, केसर वाले घेवर बनकर के तैयार है। तो तीज निकली है और साथ ही में राखी का त्यौहार आ रहा है, तो तीज और राखी पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलती है वो मिठाई है घेवर। तो इस तरह से घेवर आप बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये घेवर कैसे लगे। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।